गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। पुण्यात्माओं, जैसे दास ने सत्संग आज प्रारंभ किया था कि ये जितने पुण्यात्मा संत महंत हैं, ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इनको काल ने सिलेक्ट कर लिया कबीर साहब के बच्चों को मिस गाइड करने के लिए उनमें, और वो पूर्व जन्म की पुण्यकर्मों से परिपूर्ण होते हैं और लास्ट में उनका आगे चार्जर ठीक नहीं होता, पिछली बैटरी जब तक चले चले पुण्य, और फिर आगे इनकी भक्ति ठीक नहीं होती, फिर स्वयं दुर्गति को प्राप्त होकर मर जाते हैं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ पंथ जय गुरुदेव पंथ है और उसके प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी माने जाते हैं और वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, काल के फंस गए और उन्होंने सन 1971 में इस दास के बारे में आकाशवाणी की थी कि वो एक महापुरुष आवेगा। देखो थोड़ी सी पढ़ेंगे जब अच्छा लगेगा। एक है ये जय गुरुदेव की वाणी, पुस्तक भाग दो और ये है श्री वो तुलसीदास जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत तुलसीदास जी महाराज। हर इसके चेले कहे विश्व को शांति नहीं से मिलेगी, मिलगी शांति, दूना बिगड़ गया काम। अब ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। इन्होंने पहले इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं, ये है इसका 59 पृष्ठ। इसने 28 अगस्त 1971 में एक आकाशवाणी करी तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है 1971 को और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा, उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा, उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इसने ये प्रवचन कर दिए। फिर श्रद्धालुओं ने पूछा, भगवान जब वो आ लिया है महाराज जी तो उसका पता बता दो, बहुत पीछे पड़ दिए। तो फिर इन्होंने देखिएगा 7 सितंबर, इसके 50 पृष्ठ पे लिखा है इसाकारी पत्रिका, 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी बोली। देखना, वह अवतार जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को इसने वाणी की थी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म, रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को जो है 21वें वर्ष में लग गया था। ये 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है और है, यदि उसका पता बता दूं लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है, समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपने आत्माओं, सन 2011 में दास ने सत्संग करके इनके साथ ये अध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से भी साधना चलन वालों ने ये सतर्क कर दिया था कि ये पुण्यकर्मी प्राणी सन 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज थी पिछले पुण्यकर्मों से। आगे ये 500 नाम काल के जाप कर रहा था, वो कोई भक्ति थी नहीं। तो 2011 में दास ने ये कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही है तो ये बता दे वो कौन है
वो कौन है 20 वर्ष का था 1971 में, इसको बता देना चाहिए कि बरुवाला मारे हर जाओ भाई ले लो नाम, जाओ कल्याण करवा लो। लेकिन उस समय यू फ्यूज हो लिया था, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, भक्ति खत्म हो गई थी और गड़ के मेरे हाथ पैर इसके जिंदा लाश लिए फिर रहे थे इनको। और जब इसने इसका जू नहीं रहेंगी तो 2-3 महीना पाछे काल ले गया इसने उठाकर। या तो इसके लिए सु अवसर दिया था दाता ने कि अपने भार मुक्त हो जाता और परमात्मा के बच्चे आसानी से आगे इसके कहते ही सारे मान जाते, चलो पहले से कहा करते थे हरिभाग्य एकदम सारे समझ जाते। लेकिन इसने उस बात पर असर नहीं किया, इसलिए यो कुछ ही दिनों के बाद काल ले गया इसने उठा कर छोड़ दिया दाता ने। ना 116 वर्ष जिया यो, इसलिए रखा हुआ था कि इस युग कह दे एक बार अपने मुख से जाओ भाई वो आ रहा है जिसके बारे में 1971 में कहा था। तो ये भी क्रेडिट यू नहीं ले सका। तो पुण्यात्माओं एक नास्त्रेदमस की आप भविष्यवाणी पढ़ कर देखना इस दास के लिए। कबीर साहब कहते हैं हमने अपनी महिमा आप पर बखानी, हमारे बारे में कोई दूसरा बतानिया नहीं कोई भी, आप पर आरती आप पर साजे आप पर किंगर आप पर बाजे आप पर ताल झान झनकारा आप नचाप देखनार, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप समाऊ। तो हमने आप बतानी पड़े ये सारी कहानी, वह कौन हूँ मैं, कौन हूँ कहाँ है, कैसे लाभ होगा। अब जैसे इन भविष्य वक्ताओं का तो काम इतना है जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि अभी परसों 6:35 पर सूर्य उदय होगा, और वो ना बताते तो भी होना था क्योंकि तो परमात्मा का विधान है। तो इन्होंने बता दिया, अच्छी बात है कि वो ऐसे ऐसे है ना। तो परमात्मा ने तो पहले कह रखा कि जब 1398 कबीर भगवान आए थे तो 120 वर्ष रहे थे, 1518 में गए थे, उसी समय कह दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, उसका वचन था जिसके वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे, उन्हीं के वचन से आज पूरे विश्व में ये शांति फैलेगी, सारा संसार भगवान कबीर जी की भक्ति करेगा, घर घर में शांति होगी और सबको इतने सुख होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो उस परमात्मा का भी ध्यान था, ये ना बताते तो भी योजन तय आना ही था। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।